आप सभी को मुकेश सेन का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स में। चलिए आज अपने रेशो को पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें करने वाले हैं सैलरी वाले क्वेश्चन, जिनमें इनकम और एक्सपेंडिचर दिया हुआ हो, यानी कि आय और व्यय की बात हो रही हो। चलिए देखते हैं अपने सैलरी बेस वाला पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें वो कह रहा है कि ए और बी ये दो पर्सन हैं और इनकी जो इनकम का रेशो है वो है 5:4 और इनकी जो एक्सपेंडिचर का रेशो है यानी कि इनके व्यय का या खर्चे का जो रेशो है वो है 3:2। और उसके बाद ये बोल रहा है कि इनमें से प्रत्येक यानी कि ईच वन ए भी और बी भी प्रत्येक 1600 रुपये की एनुअल सेविंग करता है, यानी कि वर्ष के अंत में 1600 रुपये की बचत करता है। तो बताइए ए की सैलरी क्या है, ए कितना कमाता है या ए की इनकम क्या है। तो देखिए अपने पास ए और बी दो पर्सन दिए हुए हैं, इनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:4 और इनके खर्चे का रेशियो दिया हुआ है 3:2। और ये कह रहा है ए भी साल का 1600 रुपया बचाता है और बी भी साल का 1600 रुपया बचाता है। जब अपने पास ऐसा क्वेश्चन हो जिनमें दोनों की सेविंग इक्वल हो तो वो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। उसे करने के लिए जैसे मैंने रेशियो रखा है कि इनकम का रेशियो ऑलवेज ऊपर रहेगा और खर्चे का रेशियो ऑलवेज नीचे रहेगा। अब देखिए अगर मैं इसे रेशियो बेस पे देखना चाहूँ तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे दोनों रेशो का यानी कि इनकम के रेशो का और उसके खर्चे के रेशो का गैप कितना है। 5:3 का गैप 2:2। और यहाँ देखते हैं इनकम और खर्चे के रेशो का गैप कितना है, तो यहाँ भी है 2:2। जब दोनों तरफ गैप सेम हो तो वो क्वेश्चन सबसे इजी होता है, जब उसमें उनका खर्चा या उनकी सेविंग या उनका जो इंक्रीजिंग हुई है वो वाली पेमेंट इक्वल दी हुई हो, एक जैसी हो ऑल पर्सन्स की। तो यहाँ पे दोनों की जो सेविंग है वो 1600 रुपये और यहाँ देखो तो मेरे पास आ रहा है 2:2 और यहाँ भी देखो तो मेरे पास आ रहा है 2:2। तो अपने पास यहाँ पे बना 2:2 और 2:2 की वैल्यू कितनी है। देखिए ये इनकम है और ये खर्चा, तो इनकम में से खर्चा निकालेंगे क्या बचेगी, सेविंग, और सेविंग कितनी दी हुई है 1600 रुपये, यानी कि 2:2 की वैल्यू कितनी आ गई 1600 रुपये। अगर बात करें वो रेशो में कितनी बचत कर रहे हैं 2:2 की और वो रुपए में कितनी बचत कर रहे हैं 1600 रुपये की, यानी कि 2:2 की वैल्यू 1600 रुपये है। तो 1:1 की वैल्यू के लिए मैं इसे 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 800 रुपये। 1:1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 800 रुपीज़। अब मेरे से पूछा था कि एक ही इनकम बताइए, तो इन दोनों में से एक ही इनकम का रेशो कौन सा है 5। अगर 1:1 का 800 तो 5:1 का 5×800 = 4000 या 4000 रुपीज़, यानी कि एक ही इनकम थी 4000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ था एनुअल सेविंग या एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के वर्ष के अंत में 1600 रुपये की बचत करता है। तो अगर यहाँ पे 1600 रुपये एक साल का की बचत है तो जैसा इसके साथ वर्डिंग थी, ये जो सैलरी है ये भी एनुअल है, यानी कि उसकी एनुअल सैलरी 4000 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास दो पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन इज अमित एंड सेकेंड पर्सन इज गोपाल। और वो बोल रहा है कि इनकी जो इनकम का रेशो है ये है 3:2 और इन दोनों के जो एक्सपेंस का रेशो है वो है 5:3 और पर पर्सन जो मंथली सेविंग करता है वो है 1000 रुपीज़। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मंथली सेविंग यानी कि महीने की बचत बस। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इनके इनकम की बात करूँ तो वो रेशो था 3:2 और यहाँ पे अगर मैं इनके एक्सपेंस की बात करूँ तो वो था 5:3 और यहाँ दोनों की जो मंथली सेविंग है वो कितनी है 1000। अमित भी महीने का कितना बचाता है
1000 रुपया, और गोपाल भी महीने का कितना बचाता है 1000 रुपया। अब यहाँ देखते हैं ये इनकम और ये खर्चा, देखिए 3 और 2, ये तो गड़बड़ हो गई। मतलब इनकम से बड़ा दे रखा है किसका रेशो, एक्सपेंस का रेशो। तो जब ऐसा हो तो आप कुछ नहीं करना, एक छोटा सा यहाँ पे बदलाव करेंगे कि यहाँ आप देखिए इन दोनों का गैप कितना है, तो यहाँ है 1, जिनका गैप 1 हो उसे एक बार छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ कितना गैप है, तो यहाँ गैप है 2। इन दोनों रेशो में जितना गैप है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले दोनों रेशो से। तो जैसे ही मैं इसे करता हूँ तो ये 3 × 2 हो जाएगा 6, और ये 2 × 2 हो जाएगा 4। देखिए इन दोनों का गैप 2, मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो अमित का नया रेशो हो गया 6, और इन दोनों का गैप था 2, मैंने 2 से इसे किया तो गोपाल का नया रेशो हो गया 4। यानी कि अमित और गोपाल का जो सैलरी का न्यू रेशो है वो बन चुका है 6:4। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। देखिए 6 और 5 का गैप 1:1, 4 और 3 का गैप 1:1। जब ये गैप इक्वल हो जाए क्वेश्चन नॉर्मल हो गया कि इनकम में से जैसे ही मैंने एक्सपेंस का रेशो माइनस किया मेरे पास सेविंग आ गई 1:1, और वो सेविंग का रिजल्ट कितना दे रहा है इस क्वेश्चन में 1000 रुपीज़। यानी कि रुपए में सेविंग कितनी है 1000 रुपये, और रेशो में सेविंग कितनी है 1:1, तो 1:1 की वैल्यू 1000 रुपीज़, 1000 रुपया। अब अगर मेरे से पूछे कि अमित की सैलरी कितनी थी तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा अमित के रेशो से, तो मेरे पास अमित की सैलरी आ जाएगी 6000 रुपीज़। और अगर मेरे से पूछे गोपाल की सैलरी तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो मेरे पास आ जाएगी 4000 रुपीज़, क्योंकि जो ऊपर वाला रेशो है वो सैलरी का था। अब देखिए अमित की सैलरी 6000 और गोपाल की सैलरी 4000, लेकिन देखिए इस सेविंग के साथ वर्ड लगा हुआ था मंथली, तो ये सैलरी भी कैसी आई है मंथली। अगर ये पूछे एनुअल सैलरी तो मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगी 72000, क्योंकि एक महीने के हिसाब से साल 12 महीने का होता, तो एक महीने का 6000 तो 12 महीने का 72000 रुपये। और अगर गोपाल का पूछे तो 48000 रुपीज़, ये इनकी एनुअल सैलरी आ गई। आपसे जो भी पूछा है आप आंसर दे सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वो दो बंदों की बात कर रहा है कि फर्स्ट पर्सन ए है और सेकंड पर्सन बी है, और वो कह रहा है कि इन दोनों की जो इनकम का रेशो है वो है 4:3, और इनकी जो एक्सपेंस या खर्चे का रेशो है वो है 3:2। और इसके बाद ये बोल रहा है कि ए और बी में से प्रत्येक 60000 रुपीज़ एनुअल सेविंग करता है, सालाना वार्षिक 60000 रुपये की बचत करता है, तो इनकी मंथली इनकम बताइए। देखिए इसने अब की बार ये जो सेविंग दी है ये अपने को एनुअल दी है, और अपने से जो पूछा है वो मंथली पूछा है। तो इसे करने के दो तरीका तो वही रहेगा, लेकिन एक ये है कि आप 60000 पर कर लो, एक ऐसा है कि आप इस 60000, ये साल की बचत है, इसे मंथली बना लेते हैं। देखिए एक साल में 12 महीने, तो अगर 12 महीने की बचत 60000 रुपये, तो एक साल की बचत, एक महीने की बचत कितनी आ गई 5000 रुपये। ये मंथली सेविंग हो गई दोनों की, कि दोनों में से प्रत्येक मंथली कितना सेव करता है 5000 रुपये, तभी तो साल का 60000 होगा। तो ये क्वेश्चन अब नॉर्मल हो गया कि जैसा उसने पूछा था डाटा उसी में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट आंसर आएगा। अदरवाइज अगर आप 60000 से करोगे तो पहले आपको जो सैलरी आएगी वो एनुअल आएगी, उसे फिर जब 12 से आप डिवाइड करोगे तो वो मंथली सैलरी बनेगी, यहाँ डायरेक्ट मंथली आएगी। अब वही कि एक ही इनकम 4 और एक का खर्चा 3:1, बचत 1:1, बी की इनकम 3 और बी का खर्चा 2, तो बचत 1:1, दोनों की बचत कैसी है सेम, और यहाँ भी दोनों की बचत कैसी है सेम, तो 1:1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5000। अगर 1:1 का 5000, तो अगर ए का पूछे तो मैं 5 × 4 कर दूंगा, ए मंथली कमाता है 20000
अगर बी का पूछे तो 5 × 3 15,000, ये इनकी मंथली इनकम आ गई। क्लियर हुआ होगा कि बस अपने को ये गैप कैसा करना होता है, सेम करना होता है, और उस गैप के इक्वल जो भी सेविंग या इंक्रीजिंग दी होती है वो इक्वल में रखना होता है। जब दोनों की सेविंग कैसी हो या जितने भी पर्सन दिए हैं उनकी सेविंग कैसी हो, सेम हो। समझ में आ रहा होगा आपको। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का, बस थोड़ा सा बदल के है। ये कह रहा है एक पर्सन है राम और दूसरा पर्सन है श्याम, और ये कह रहा है इनके जो इनकम का रेशो है ये है 5:3, और दोनों के जो खर्चे का रेशो है ये है 9:5। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्वेश्चन पिछला है सेम, कि इनकम का रेशो 5:3 और खर्चे या व्यय का रेशो 9:5, लेकिन यहाँ के बाद बदल गया कि जो राम है वो महीने का 2600 रुपये और जो श्याम है वो महीने का 1800 रुपये, 800 रुपये की सेविंग करता है। देखिए इनकी जो मंथली सेविंग है या जो सेविंग है वो यहाँ चेंज हो चुकी है, पिछले क्वेश्चनों की तरह सेम नहीं है, दोनों की अलग अलग है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। चलिए अब ये पूछेगा, देखिए ये मंथली दी हुई है तो ये या तो ये डायरेक्ट पूछेगा या पूछेगा सेविंग अगर मंथली है तो पूछेगा एनुअल इनकम कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, बस इन्हें क्रॉस करना है और कुछ नहीं। देखिए इनकम, खर्चा और उसके बाद जो रुपीज में सेविंग थी, अब सबसे पहले आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ये कितना आया 25 और ये कितना आया 27, ये 25 और ये 27, 25 और 27 का गैप 2, तो मेरे पास यहां पे आ रहा है 2:2 इक्वल टू। अब क्या करना है कि मैंने इनकी सेविंग का गैप ले लिया, ठीक है, या सैलरी का गैप ले लिया या मल्टीप्लिकेशन का गैप ले लिया, जो भी है आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सैलरी का रेशो ऊपर रखोगे, खर्चे का नीचे, और उसे रख देना है। अब फिर से आप इसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 18 का 9000 ये होता है 162 और 00 तो ये हो जाएगा 16200, और 26 का 5 मल्टीपल यानी कि इन्हें क्रॉस कर दोगे दोबारा से नीचे वाले रेशो को सेविंग के साथ, तो 26 का 5 मल्टीपल 130 और 20 यानी कि 13000, तो मेरे पास यहाँ से कितना बच गया 3200, और इसे मैं रख दूंगा रेशो के सामने, यानी कि 2:2 की वैल्यू कितनी आ गई 3200, तो 1:1 की वैल्यू, तो 1:1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1600 रुपये। अब आपके पास 1:1 की वैल्यू आ गई। देखिए रेशो वाले क्वेश्चनों में 90% क्वेश्चन में 1:1 की वैल्यू कहीं ना कहीं से निकल के आएगी, और जैसे ही 1:1 की वैल्यू बाहर आएगी खेल खत्म। अब अगर ये पूछे राम की एनुअल सैलरी कितनी है, तो देखिए 1:16 तो 5:16 = 80, 8000 रुपया। क्लियर? लेकिन अपने यहाँ सेविंग के साथ क्या लगा हुआ था मंथली, तो ये सैलरी भी कैसी आई है मंथली, और अगर मंथली 8000 रुपये कमाता है, एक महीने का 8000 रुपये कमाता है, तो 12 महीने का 96,000 रुपीज उसकी सैलरी होगी। इसी तरह अगर बी का पूछे तो 1600 × 3 4800 रुपये पर मंथ। अगर इसी तरह श्याम का पूछे तो वो कितना कमाता है 4800 रुपया महीना, और अगर साल का पूछे तो मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 12 कर दोगे आप। क्लियर हुआ होगा? तो चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि ए और बी की जो इनकम का रेशो है वो है 3:5, और इनके खर्चे का जो रेशो है वो है 4:7, यानी कि ए और बी 3:5 में कमाते हैं, उनकी इनकम या आय का रेशो है, और उनके एक्सपेंस या जो व्यय का रेशो है वो है 4:7, और उसके बाद कह रहे हैं कि ए
16,000 रुपये की बचत कर रहा है और जो बी है वो 26,000 रुपये की बचत कर रहा है। चलिए जैसे ही अपने ने ऐसा लिख लिया, अब सेम पिछला प्रोसेस देखिए, 3 और 4 का गैप, 5 और 7 का गैप डायरेक्ट ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों की सेविंग कैसी है, अलग अलग। तो इसे क्या करेंगे, पहले क्रॉस करेंगे कि 7 का 3 मल्टीपल 21 और 4 का 5 मल्टीपल 20, 21 और 20 का गैप 1:20, 20 और 21 का अंतर 1:1 बराबर। अब देखिए, अब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करता हूँ, 26 का डबल 52 और 52 का डबल 104, यानी कि 26 का 4 मल्टीपल 104 और 30 ये आ जाएगी, यानी कि 104,000। और अगर मैं इधर कर दूं तो 16 का 7 मल्टीपल 112 और 30 ये, तो इसका 7 × 16,000 का मल्टीपल आ जाएगा 112,000। और अगर इन दोनों का मैं गैप देखूं तो 112,000 और 104,000 का जो गैप है वो है 8,000 रुपये, 8 और 4 12, यानी कि 1:1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8,000 रुपये। अपने से पूछा गया था कि ए की इनकम बताइए, तो ए का रेशो कितना है 3, ए का रेशो कितना है 3, और 1:1 का मिल रहा है 8,000 रुपये, तो 3:1 का आ जाएगा 24,000। आंसर आ गया कि ए की इनकम कितनी थी 24,000 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, उसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पर्सन है रवि और दूसरा पर्सन है सुमित, और इन दोनों की जो सैलरी का रेशो है वो है 2:3। अब ये कह रहा है कि रवि की सैलरी भी 4,000 रुपये बढ़ा दी गई, इंक्रीज कर दी गई, और सुमित की सैलरी को भी 4,000 रुपये इंक्रीज कर दिया गया। मतलब दोनों में से प्रत्येक की सैलरी कितनी बढ़ा दी गई, 4,000 रवि की बढ़ी और 4,000 इंक्रीज हुआ सुमित का। तो इनकी सैलरी का जो नया रेशो था वो बन गया 40:57। तो बताइए सुमित की प्रेजेंट में सैलरी कितनी है, प्रेजेंट में सुमित की सैलरी कितनी है सेकंड पर्सन की। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, देखिए ये पहले वाला रेशियो और ये दूसरा रेशियो, जबकि दोनों रेशियो ही किसके हैं, सैलरी के हैं। तो मैंने फर्स्ट रेशियो जो पुरानी सैलरी थी वो ऊपर रख ली और जो नई सैलरी का रेशियो वो कहाँ रख लिया, नीचे। आंसर ऑलवेज इस कंडीशन में, आंसर ऑलवेज ऊपर वाले रेशियो से आता है, नीचे वाले से 50% राइट आएगा 50% रॉन्ग आएगा, लेकिन जो ऊपर वाला रेशियो है ये ऑलवेज राइट आंसर देगा। तो देखिए अपने पुराने ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों का गैप, तो 40 और 57 का जो गैप है अगर मैं यहाँ पे देखना देखूँ तो ये 17 हो गया 17। अब मैं 17 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 17 का किससे, इन दोनों का जो गैप है 17, उससे ऊपर वाले को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो 17 का 2 मल्टीपल नया रेशो बन गया रवि का 34 और 17 का 3 मल्टीपल इसका नया रेशो बन गया 51। अब आप गौर से देखिए कि 34 और 40 का गैप 6:1, 51 और 57 का गैप 6, यानी कि दोनों तरफ गैप कैसा आ रहा है, सेम, यानी कि 6:1 का जो गैप है वो दोनों तरफ है, जबकि 6:1 की वैल्यू कितनी है 4,000 की सैलरी में कितने का गैप है 6:1 का, और सैलरी में रुपए में कितने का गैप है 4,000 का। तो 6:1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 4:1 की वैल्यू बनाने के लिए मैं इस 4,000 को 6 से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास आ गया 2,000/3, ये मेरे पास 1:1 की वैल्यू आ गई। अब मेरे से पूछा गया था कि सुमित की सैलरी कितनी है, देखिए रेशो पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में नहीं होता, लेकिन उसका रिजल्ट पॉइंट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, परसेंटेज में हो सकता है, क्लियर हुआ। तो 1:1 की वैल्यू 2,000/3
और उसने पूछा सुमित की सैलरी, तो सुमित की सैलरी का रेशो कितना है, 51। मैं 51 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे किया, 2000 बटा में 3, एक रेशो की वैल्यू, तो 51 रेशो की वैल्यू के लिए मैं 51 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये कट गया 17 पे, और ये 17 से 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 34,000 रुपये। देखिए ये कौन सी सैलरी का रेशो था, ऊपर पुरानी सैलरी का। तो पहले सुमित को कितना रुपया मिलता था, 34,000 रुपये। उसने पूछा है प्रेजेंट में उसकी सैलरी कितनी है, जिसको 34,000 रुपये पहले मिलता था और 4,000 रुपये उसके और बढ़ा दिए गए, तो 34 और 4, 38,000। प्रेजेंट में सुमित की सैलरी कितनी है, 38,000 रुपये। क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बात को सिर्फ उलझाने की बात की हुई है, बाकी ये क्वेश्चन जो फर्स्ट कैटेगरी के मैंने करवाए थे, पहला दूसरा या तीसरा क्वेश्चन उसी कैटेगरी का है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि दो पर्सन है, एक ए है और एक बी है। जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि दो पर्सन है ए और बी, और इनकी जो सैलरी का रेशो है वो है 5:7, 5:7। इसके बाद ये बोल रहा है, ये इनकी इनकम का रेशो हो गया। इसके बाद ये कह रहा है कि ए 4,000 रुपये की बचत करता है और जो बी है वो 5,000 रुपये की बचत करता है। यानी कि सैलरी का रेशो 5:7 और ए की सेविंग 4,000 और बी की सेविंग 5,000। यहाँ इनके खर्चे का रेशो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ। खर्चे के लिए इन्होंने क्या बोला है, ये कह रहा है कि जो ए का जो खर्चा है वो बी के खर्चे का 66/2/3% है। यानी कि ए का एक्सपेंस इक्वल टू बी के एक्सपेंस का 66/2/3% है। देखिए अगर मैं इसकी परसेंटेज की मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखूं, तो मेरे पास 66 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। 66 से 2/3 को फ्रैक्शन में बोलते हैं 2/3। ये आपको परसेंटेज में आराम से सिखा दूंगा मैं। तो ए का खर्चा बराबर बी के खर्चे का 2/3। अब ये रेशो का नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अगर मैं बी को मल्टीप्लाई करूं तो ये यहां चला जाएगा इसके साथ, और अगर क्रॉस करूं तो 3 आ जाएगा यहां, यानी कि 3a = 2b। तो मेरे पास a रेशो b कितना आ रहा है, a के सामने 2 और b के सामने 3। तो मेरे पास a और b के खर्चे का रेशो कितना बन गया, 2:3। समझ में आया होगा। ये मैंने पिछले पार्ट्स में, पिछले वीडियोस में जो पीछे क्लासें थी उनमें बड़े अच्छे से समझाया है। तो अगर किसी को नहीं समझ आया तो पिछली वीडियोस देखे और इन्हें समझ ले। चलिए अभी क्वेश्चन नॉर्मल हो गया कि ए और बी की इनकम 5:7, ए और बी का खर्चा 2:3, ए की सेविंग 4,000 और बी की सेविंग 5,000। मैंने इसे उसी टाइप में लिख दिया, इनकम खर्चा सेविंग। क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो आगे क्या है, वही सेम कि मैं इसे क्रॉस करता हूं, इसका मल्टीप्लाई 15 और इसका मल्टीप्लाई 14। यानी कि मेरे पास 15 और 14 का गैप कितना बचा, 1:1 इक्वल टू, इसे क्रॉस करेंगे तो ये आएगा 12,000 और इसे क्रॉस करेंगे तो ये आएगा 10,000। 12 और 10 का गैप 2,000। यानी कि 1 की वैल्यू 2,000। अब अगर पूछे कि ए कितना कमाता है, तो इसके पास 5 है और 1 की वैल्यू 2,000, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 10,000। और अगर पूछे कि बी कितना कमाता है, तो इसके पास 7 है और 1 की वैल्यू 2,000, तो आंसर आ जाएगा 14,000। ये इनकी सैलरी आ गई। इस क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल कितना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24,000। और वैसे भी देखिए 7 और 5 12, दोनों के पास टोटल कितने रेशो है सैलरी के, 12 और 1:2,000, तो 12:24,000। यही आपका आंसर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, आपने पढ़ा, आप देखोगे कि ए बी
इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि ए बी और सी की जो इनकम का रेशियो है वो है 3, 7 और 5, ये तीनों की इनकम का रेशियो है। और उसके बाद ये कह रहा है इनके खर्चे का रेशियो दिया हुआ है 4, 3 और 5। और इसके बाद ये कह रहा है कि ए की जो इनकम है वो है 2100 रुपये और जो ए की सेविंग है वो है 300 रुपये, कि ए 2100 रुपये की अपनी इनकम में से 300 रुपये की सेविंग करता है। तो बताइए बी और सी की सेविंग कितनी है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए 2100 की जगह इसने, मैंने गलत लिख लिया, 2400 रुपये हैं और यहाँ पे 4 है, मतलब इनकी इनकम का रेशियो है 3, 7, 4 और इनके एक्सपेंस का रेशियो है 4, 3, 5। एक ही सैलरी 2400 और एक ही बचत 300, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ उसी को राइट किया है ताकि क्वेश्चन आपको समझा सकूं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सैलरी, यहाँ पे क्या लिखा, एक्सपेंस, मेरे पास सेविंग का रेशियो कहीं नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी रेशियो के साथ कोई रिजल्ट होता है तो रिजल्ट उस रेशियो को या रेशियो रिजल्ट को डायरेक्ट फॉलो करता है। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी सेविंग नहीं है, मेरे पास सेविंग का रेशियो कहीं नहीं है, तो एक बार मैं सेविंग को साइड में कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास अगर सेविंग नहीं है तो मेरे पास बचा क्या डाटा, ओनली सैलरी। तो मैं फिर से देखता हूँ कि सैलरी का रेशियो है या नहीं है, और अगर सैलरी का रेशियो नहीं है तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, डाटा नॉट डिटरमाइन आएगा, आंकड़े अपर्याप्त है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यहाँ अगर देखें तो दिया हुआ एक ही सैलरी और मेरे पास एक ही सैलरी का रेशियो है, जिसकी सैलरी जिसका डाटा उसका रेशियो, जैसा रेशियो वैसा डाटा। तो एक ही सैलरी का रेशियो 3 और एक ही सैलरी 2400, तो एक रेशियो की वैल्यू मेरे पास आ गई 800, यानी कि सैलरी का एक रेशियो कितने के बराबर है, 800 के बराबर। तो मेरे पास ए की सैलरी हो गई 2400, बी की सैलरी होगी 1:800 तो 7:56, और सी की सैलरी हो गई 3200। ये मेरे पास क्या आ गए, तीनों की सैलरी आ गई, किसकी, ए बी और सी की। अब एक बार सैलरी को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि ए 2400 रुपये कमा के लाता है, ए की इनकम कितनी है 2400 और ए बचत कितनी करता है 300, तो ए का खर्चा कितना है कि 2400 रुपये उसकी जेब में आए और जेब में बचे कितने 300, तो उसका खर्चा कितना होगा 2100, यानी कि ए का खर्चा कितना है 2100 और ए के खर्चे का रेशो कितना है 4। अपने पास तो डाटा आ गया, तो 4:00 की वैल्यू 2100, तो 1:00 की वैल्यू के लिए मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ 4 से, ये कट जाएगा 525, 1:00 की वैल्यू 525, खर्चे का 1:00 525 के बराबर है। तो ए का तो अपने से पूछा ही नहीं, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, अपने से पूछा बी और सी की सेविंग कितनी है। तो देखिए 1:00 का 525 तो 3:00 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिया जाएगा 75 और 15, 1575 रुपया। और सी के पास कितना है 5:00, 1:00 का 525 तो 5:00 का 25 और 125, 2625। आप 5 को देखिए 1:00 की वैल्यू 525, आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 बचे 2, 10 और 2 12 बचा 1, 25 और 1 26, इतना ही आ रहा है। अब अपने से पूछा गया था सेविंग, देखिए ए कितना, बी कितना कमा के लाता है 5600 रुपये और कितना खर्चा कर रहा है 1575 रुपये, तो उसकी बचत कितनी है 5204, 4025 रुपये उसकी बचत है। और इधर देखें तो ये बचा 5, ये बचा 7, 11 में से गए 5, 575। सी की सेविंग कितनी है 575, और यही पूछा गया था कि बी और सी की सेविंग बताइए। रेशो ऑलवेज रिजल्ट को फॉलो करता है, इतना याद रखना, मैं पीछे के वीडियोस में बड़े अच्छे से बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है
कि ए और बी की जो सैलरी का रेशो है वो है 5:3। ये अपने पास पहला सैलरी का पार्ट आ गया। दूसरा अपने पास है एक्सपेंस, और इसमें कह रहा है कि ए बी और सी के जो एक्सपेंस का रेशियो है वो 8:5 और 2, यानी कि ए बी सी के जो खर्चे का रेशियो है वो है 8:5:2। और उसके बाद ये बोल रहा है कि जो सी का खर्चा है वो 2000 रुपये है और जो बी की बचत है वो 700 रुपये है। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखता हूँ ये सैलरी है, ये खर्चा है, यहाँ खर्चा और बचत है, तो मेरे पास बचत का रेशो कहीं नहीं है, तो मैं बचत को एक बार साइड में कर देता हूँ, मैं बी का यूज़ एक बार नहीं करूँगा क्योंकि बचत का रेशो नहीं है, रेशो रिजल्ट को फॉलो करता है। तो अपने पास अगर ये यूज़ में नहीं है अभी, तो बचा क्या यूज़ के लिए, 2000। अब इस 2000 को गौर से सोचिए, क्या है ये सी का खर्चा है 2000 रुपये। तो गौर से देखिए, क्या आपके पास सी का रेशो है कहीं खर्चे का, ये तो सैलरी है छोड़ दिया, ये खर्चा है, तो ये सी का खर्चा ये रहा 2:2, मतलब 2:2 की वैल्यू 2000, तो 1:1 की वैल्यू 1000 रुपये। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया कि सी का खर्चा 2000 रुपये, बी का खर्चा 1:1000 रुपये, तो 5:5000 रुपया। देखिए, खर्चे का रेशो खर्चे से ही मल्टीप्लाई होगा, वो सैलरी या सेविंग से नहीं होगा, सैलरी वाला सैलरी से ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी किसी से नहीं, जिसका रिजल्ट है उसी के साथ जाएगा। तो 1:1000, तो 8:8000 रुपया। अब देखिए, बी का खर्चा कितना है 5000 रुपये, और बी बचत कितनी करता है 700 रुपये, मतलब 5000 रुपये का खर्चा करने के बाद भी बी की जेब में 700 रुपये बचते हैं। अगर 5000 रुपये खर्चा कर दिया और 700 रुपये अब भी जेब में है, तो उसकी जेब में टोटल कितना रुपया था, 5000 प्लस 700, तो ये हो गया 5700, मतलब बी की जेब में टोटल था 5700 रुपया, और जो टोटल जेब में होता है वो होती है सैलरी, तो बी की सैलरी 5700 रुपया और बी की सैलरी का रेशो 3, तो 3:1 की वैल्यू 5700, क्योंकि अपने पास बी की सैलरी है रेशो में भी और पेमेंट में भी है, तो 1:1 की वैल्यू 1900 रुपये। क्लियर हुआ? अब पूछा है ए की सैलरी बताइए, ए की सैलरी का कितना रेशो है 5, 1:1 का 1900 रुपये, तो 5:1 का 9500, तो ए की सैलरी आ गई 9500 रुपया। अगर यहाँ पूछे ए का खर्चा, तो 8000 रुपये, और पूछे ए की सेविंग, तो 9500 में से 8000 क्या कर देता है, खर्चा कर देता है, तो ए की सेविंग आ जाएगी 1500 रुपये। जो मर्जी पूछे वो अपने फाइंड कर लेंगे, बस याद रखिए रेशो रिजल्ट को फॉलो करता है, जैसा रिजल्ट वैसा रेशो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा हाई लेवल है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अपने भी इसे बिल्कुल शॉर्टकट और आराम से करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ये क्वेश्चन में दे रहा है कि ए बी और सी, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तीनों की जो टोटल सैलरी या टोटल इनकम है वो है 1,44,000 रुपीज़। ये तीनों की टोटल इनकम है, तो याद रखना अपने पास जो डाटा दिया हुआ है वो इनकम का है, तो अपने को कहीं ना कहीं से रेशो भी किसका चाहिए, इनकम का, क्योंकि रेशो रिजल्ट को फॉलो करता है, रिजल्ट रेशो को फॉलो करता है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो ए है ये अपनी सैलरी का 80%, बी अपनी सैलरी का 85% और सी अपनी सैलरी का 75% क्या कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। क्लियर? और लास्ट में लिखा हुआ है कि ए बी और सी की जो सेविंग का रेशो है वो है 8:9:20। ए बी सी की टोटल सैलरी 1,44,000 रुपये, ए 80%, बी 85% और सी 75% खर्च कर देता है अपनी सैलरी का, और इनके जो बचत का रेशो है वो है 8, 9 और 20। और इस क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया कि ए की इनकम कितनी है,
तो देखिए यहाँ पे अपने पास इनकम 144,000 दी हुई तीनों की, तो मेरे को इनकम का रेशो चाहिए, रेशो तो इनकम का है ही नहीं, रेशो तो सेविंग का है। तो जब भी क्वेश्चन में रेशो है तो 99% आंसर रेशो देगा। तो आप सोचिए किसी भी तरीके से यहाँ पे क्या अपने सैलरी को ला सकते हैं। तो देखिए इस रेशो का यूज़ नहीं कर सकता डायरेक्ट, तो मेरे पास बचा क्या, सैलरी डायरेक्ट यूज़ नहीं होगी, रेशो नहीं होगी, तो मेरे पास बचा ओनली परसेंटेज। और याद रखना सैलरी में 100% जो सैलरी होती है वो कंप्लीट होती है। मान लीजिए किसी बंदे को 1,00,000 रुपया सैलरी मिलती है, जैसे ही उसके अकाउंट में 1,00,000 रुपीज़ आए उसे सैलरी मिल गई 100%। एक बंदे को 5,000 मिलते हैं, उसके अकाउंट में 5,000 रुपया आया, 100% सैलरी हो गई। पर कैंडिडेट पर, अलग अलग व्यक्तियों पर जो सैलरी का परसेंटेज है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब सिंगल की बात होगी तो उसकी सैलरी ऑलवेज क्या होगी, 100%। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पूरा कमाता है, मतलब कंप्लीट यानी कि 100% कमाता है। तो इन्हें 100% कमाया और उसमें से कितना खर्च कर दिया, 80%। सेविंग कितनी हुई, 20, यानी कि ए की सेविंग कितनी है, 20%। रेशो में ये सेविंग कितनी बोल रही है, 8, यानी ए का जो 20% है वो रेशो में 8 है। तो अभी अभी आपने सुना या आपने थोड़ा सा गौर किया, मैंने बोला 100% सैलरी कंप्लीट होती है 20 का 5 मल्टीपल, सो 100 हो गया, तो 8 का 5 मल्टीपल 40। अगर मैं इसे 5 से मल्टीपल कर दूं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 100% और इधर हो जाएगा 40 रेशो, और ये तो मेरे को चाहिए था। तो एक ही सैलरी कितनी आ गई टोटल, 40 रेशो। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एक ही जो सैलरी का टोटल रेशो है वो कितना है, 40। इसी तरह अपने बी को फाइंड करते हैं। तो चलिए बी के पास कितना है, 85%। ये उसने स्पेंड कर दिया तो बी के पास बचा कितना, 15%। उधर इधर बी के पास कितना बच रहा है, 9 रेशो। मैं इन दोनों को दोनों तरफ 3 से काटता हूँ तो ये आ गया 5, और इधर 3 से काटा तो ये आ गया 3, यानी कि 5% की वैल्यू 3। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 15 को मैं 100 नहीं बना सकता डायरेक्ट, लेकिन अब बन सकता है, बी पंजे 100, तो 20 दिए 60, यानी कि बी की सैलरी 60 रेशो। इसी तरह अगर मैं सी पे आ जाऊं तो सी 75% अगर खर्च कर देता है तो उसके पास बचा कितना, 25% रेशो में उसकी बचत 20 रेशो। अब देखिए 25 का 4 मल्टीपल 100, तो 20 का 4 मल्टीपल 80, और 100% सैलरी कंप्लीट होती है, कंप्लीट इनकम होती है। तो मेरे पास यहाँ पे ए बी और सी की जो इनकम का रेशो आ गया वो आ गया 40, 60 और 80। इसे आगे दोबारा काटा जा सकता है, ये 20 के टेबल पे 2 पे, ये 20 के टेबल से 3 पे, और ये 20 के टेबल पे 4 पे। तो ए बी सी की इनकम का रेशो कितना आ गया, 2, 3, 4। मैं देखता हूँ टोटल कितना है, 9, यानी कि ए बी सी की टोटल इनकम कितनी है, 9 रेशो, और पेमेंट में टोटल कितनी है, 1,44,000। अब अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखिए 9 रेशो की वैल्यू 1,44,000, तो 1 रेशो की वैल्यू डिवाइड कर देते हैं 9 से, तो ये चला गया 1 पे और मेरे पास बच गया 5, और ये 6, 16,000 रुपये। 1 रेशो की वैल्यू 16,000 रुपये। मेरे से पूछा था एक ही इनकम, एक के पास है 2 रेशो और 1 रेशो का 16,000, तो 2 रेशो का 32,000, यानी कि 32,000 रुपये। 1,44,000 में से जो ए है उसकी जो इनकम है वो है 32,000, 32,000 रुपये। समझ में आया होगा, जैसा रिजल्ट वैसा रेशो। नेक्स्ट पार्ट में धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड उठा देंगे, थोड़े से इससे मुश्किल और क्वेश्चन लेंगे। मैं अभी 4 से 5 वीडियो डालूंगा और उसमें रेशो बिल्कुल एकदम बढ़िया से समझा दूंगा, क्योंकि रेशो और परसेंटेज आपको अगर बढ़िया से आता है तो मैथ का 60 से 70% क्लियर हो जाएगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।